हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम टू द TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल. आफ्टर द समर वेकेशन इट्स अ फर्स्ट साइंस क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. मेक श्योर यू विल बी मेंटेन ओनली वन स्कूल रजिस्टर इन साइंस. In the starting of the chapter, you will be maintain notes, and then after you will be do internal and the external question answer. Do your work neat and clean on time. We will be check your work after 15 days. Okay, let me start. Chemical reaction and equation. इस chapter के अंदर हम बेटे हम रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टडी करेंगे. उनके बारे में हम जानेंगे कितनी तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है. रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इक्वेशंस किसे कहा जाता है. फर्स्ट, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन. यहीं से आपका एक नंबर फर्स्ट 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पुटअप हो रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है यहीं से कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है. व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस. अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट विच मे बी अंडर एन इन्फ्लुएंसेस ऑफ अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का मतलब होता है बेटा उत्प्रेरक. कैटलिस्ट वो पदार्थ होते हैं जो कि किसी अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं. तो केमिकल रिएक्शन वह प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट जो होता है वो किसी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है. अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम. ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने की जो अभिक्रिया है इसको हम एक इक्वेशन के अंदर शो करते हैं. एक वर्ड इक्वेशन में शो किया जाता है और आगे जाके हम बताएंगे कि इन वर्ड्स को सिंबल के अंदर भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है इन्हें. तो ये जो वर्ड इक्वेशंस जिन्हें हम लिखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, उन्हें हम इक्वेशंस कहते हैं और इनके बीच में एक एरो के साइन का यूज़ किया जाता है. द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम. सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम. यदि रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होते हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन शो किया जाता है. ठीक ऐसे ही अभिक्रिया खत्म होने के बाद एक जो प्रोडक्ट होते हैं यदि वो एक से ज़्यादा होते हैं तो उन्हें भी प्लस साइंस के थ्रू शो किया जाता है. जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर शो करते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड के अंदर शो करते हैं. द एरोहेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. जो एरो वाला साइन है उसका जो हेड वाला पार्ट है वो प्रोडक्ट को शो करता है, वहाँ पर प्रोडक्ट को लिखा जाता है. और ये जो एरो का साइन है ये हमें रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है. हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन. हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है. कोई भी हमारे पास केमिकल है यदि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट. अ केमिकल रिएक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय एनी ऑफ दीज 4 फैक्टर. यदि कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी तो हमें वहाँ पर ये 4 फैक्टर दिखाई देंगे. फर्स्ट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर. यदि किसी पदार्थ की किसी केमिकल आफ्टर द केमिकल रिएक्शन यदि किसी भी मैटर की स्टेट में चेंज हो रहा है, उसके कलर में चेंज हो रहा है, यदि कोई गैस बाहर निकल रही है या फिर रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर चेंज हुआ है, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुई है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन का मेन जो आधार होता है बेटे, जो बेस होता है वो कन्वर्शन ऑफ मास, जो कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमारे पास लॉ है वही होता है. इस ये जो रूल है हमारा इसकी स्टडी हम 9th क्लास के अंदर भी कर चुके हैं. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास ये जो नियम है इसके अंतर्गत किसी भी मैटर को न तो क्रिएट किया जा सकता है
ना ही डिस्ट्रॉयड किया जाता है, बस जो केमिकल रिएक्शन है उसके थ्रू वो आपस में चेंज होते हैं। नाउ नेक्स्ट है राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है, मैंने अभी आपको जो प्रीवियस स्लाइड थी हमारी स्लाइड नंबर जो 3 है उसके अंदर मैंने बताया है आपको कि किस तरीके से लिखा जाता है, और यहाँ पर स्लाइड नंबर 5 के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि हम उसे किस तरीके से लिखते हैं, शो कैसे करेंगे। अब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड द मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यदि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं रिएक्टेंट फॉर्म के अंदर ही आपस में एक दूसरे से क्रिया करें, तो आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। इसी की तरफ नीचे की तरफ देखिए हमारे पास में कि डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से आपस में कंबाइन हुए हुए हैं, उन्हें हम डायग्रामेटिकली आपको शो कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन बेटा आप लिखते हैं तो आप पूरी तरीके से ध्यान रखिए कि हमें उस रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करके ही लिखना है। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। सबसे पहले जब भी आपको कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने को दी जाती है तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उन सबको आप सबसे पहले बॉक्सेस के अंदर बंद करें। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ अनबैलेंस इक्वेशन। जितने भी हमारे पास में नंबर ऑफ एटम जो हैं हम उनकी लिस्टिंग करें, रिएक्टेंट की अलग लिस्टिंग करेंगे और प्रोडक्ट की लिस्टिंग अलग करेंगे कि इसके अंदर रिएक्टेंट में हमारे पास में ये रिएक्टेंट हैं और मतलब यही एटम्स हैं और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो उसके सामने हम लिखते चलेंगे। स्टार्ट बैलेंसिंग विद अ कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसके बाद में इतना वर्क करने के बाद में जैसे हमने उन्हें सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बॉक्सेस के अंदर क्लोज किया, उसके बाद हम उनकी लिस्टिंग करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों में कितने हैं, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, इसके बाद हम उन्हें बैलेंस करना शुरू करेंगे और अधिकतम नंबर से यानी कि मैक्सिमम नंबर से हम उन्हें बैलेंस करेंगे। बैलेंस द अनबैलेंस एटम फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद में हमने जितने भी एटम्स उसमें ऐड करें दोनों साइड में रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में उनको हम वापस से काउंट करेंगे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास सिमिलरली आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला, द गैसेस लिक्विड एक्वस एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट द प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंट बाय द नोटेशन G for the gaseous state, small l for the liquid state, aq for the aqueous state and the s solid state। इसके बाद में जब हमने पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है उसके बाद हम उसे बहुत और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, उस इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है उसको भी हम शो कर देंगे। यदि वो गैसेस स्टेट है तो हम उसे जी से शो करेंगे नीचे की तरफ ब्रैकेट में, और यदि वो लिक्विड है तो स्मॉल एल से, एक्वस है तो एक्यू से, और सॉलिड है तो एस से। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी हमारे पास में बना है उसका वाटर के साथ में सॉल्यूशन है तो हम वहाँ पर एक्वस स्टेट को शो करेंगे। तो 9th स्टैंडर्ड तक हमने 3 ही स्टेट पढ़ा था,
सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। और अब हमें क्या करना है, एक फोर्थ स्टेट हमारे पास में आई है जिसे हम कहते हैं एक्वस स्टेट, इज जस्ट लाइक अ जेल लाइक स्टेट। इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे पास में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होता है उसको वाटर के साथ में सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कि केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी तरह की होती हैं। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी, पांच तरह की हम केमिकल रिएक्शन की इसमें स्टडी करेंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यदि दो जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो हैं वो आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगर्सली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक इक्वेशन शो करी है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम CaO से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन इट कंबाइन विद H2O वाटर के साथ जब ये मिलता है तो कैल्शियम ऑक्साइड होल ट्वाइस टू बनता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम स्लेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है ये, और इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन अ वन मार्क्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद अ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर टू और थ्री डेज और वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर टू और थ्री डेज ऑफ वाइट वॉशिंग। जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जब इसे सफ़ेदी यानी चूना जो है जब पानी के साथ में मिलाया जाता है तो बहुत एक लार्ज अमाउंट के अंदर हीट बाहर निकलती है और हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलके तैयार हुआ है, जब इसे दीवारों पर लगाया जाता है, वॉल्स पर लगाया जाता है तो दो से तीन दिन बाद में ये एक थिन लेयर जो है वो बन जाती है वॉल्स के ऊपर, और जिसे हम लोग वाइट वॉशिंग के अंदर काम के अंदर लेते हैं और दीवारें जो हैं वो काफ़ी चमकदार हो जाती हैं, इसे शाइनिंग फिनिश मिलता है वॉल्स के ऊपर। और यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो मार्बल जो होता है उसका भी केमिकल फॉर्मूला जो है वो CaCO3 होता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वह केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू अ कंपोस्ट आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हम नेचुरल गैस काम में लेते हैं तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और कोई भी वेजिटेबल मैटर होता है जैसे कि वेजिटेबल पील्स होते हैं, फ्रूट पील्स होते हैं, ये जब कंपोस्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जब ये खाद के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो इनसे हीट जो है, एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। सो इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब। यदि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है तो ये जो केमिकल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इंटू अ सिंपलर सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड द ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू अ फॉर्म ग्लूकोज। द ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन टू। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब, है ना, जब कोई रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है तो इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और आगे बताया गया है कि जो राइस, पोटैटो एंड ब्रेड जो है ये इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अ फॉर्म ग्लूकोज, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर टूटते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। ये जो ग्लूकोज होती है ये हमारी
बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे कनेक्ट होती है एंड प्रोवाइड एनर्जी, और उससे हमें एनर्जी मिलती है. सो इट इज़ एन एंडोधर्मिक रिएक्शन. तो इसीलिए यह एक एंडोधर्मिक रिएक्शन कहलाती है. तो अब तक जितना पार्ट हमने कंप्लीट किया है उसमें ये डिफरेंस बिटवीन द एंडोधर्मिक एंड द एक्सोधर्मिक रिएक्शन, और हाउ कैन वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो रहे हैं. जो एक्टिविटी पोर्शन है जो एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको इन अ PDF फॉर्म अवेलेबल कराऊंगी. आई होप कि ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. थैंक यू वेरी मच.